हाय, मैं हूं जुएल। आप देख रहे हो टेक गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल को आप मल्टीटास्किंग कैसे कर सकते हो। तो हालांकि देखा जाता है सैमसंग की नोट सीरीज़ पे अभी की ज़्यादा प्राइस के मोबाइल पे मल्टीटास्किंग का प्रोग्राम दिया जाता है, अभी वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी सब मोबाइल पे भी कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। तो आइए कैसे होता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रोज़ाना लाता रहूँगा। तो प्ले स्टोर में आपको जाके इस ऐप का नाम सर्च करना पड़ेगा, फ्लोटिंग ऐप। ये फ्री वाला वर्सन है, इसका पेड वर्सन भी है जो 130 रुपीज़ का है। तो इस ऐप को ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आइए देख लेता है कैसे काम करता है। पहले थोड़ा सा गाइड इस ऐप का आ रहा है, इसको रहने देता है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को बता दूंगा इसका कैसे काम करेगा। इसका फुल वर्सन आपको पैसा देके खरीदना पड़ेगा। ये ब्लू कलर की जो ऐप आपको दिख रहा है, ये सब फ्री में आप चला सकते हैं। नीचे जो आप ग्रे कलर का ऐप देख रहे हैं, ये सब पेड मैंने पैसा दे के खरीदना पड़ेगा फुल वर्सन पे। तो अभी मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ मोबाइल का। अब कोने पे, लेफ्ट का कोने पे देखिए एक आइकॉन है, ये देखिए ये वाला आइकॉन, जो मैं इधर उधर कर रहा हूँ। ये आइकॉन को क्लिक करने के बाद आपका मल्टीटास्किंग का ऑप्शन निकल के आएगा। अब यही ऑप्शन को आप चला सकते हैं, लिमिटेड, हालांकि लिमिटेड ऑप्शन है, यही ऑप्शन को चला सकते हैं। मेरे होम स्क्रीन पे मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, देख सकते हैं कैलकुलेटर ऑन हो गया। और भी कुछ ऑन कर सकते हैं इधर जाके उसी आइकॉन पे दबा के। तो मैं जाता हूँ वीडियो प्लेयर पे, वीडियो प्लेयर में फोल्डर फाइल खुल चुका है, इधर आ गया। तो और एक खुलते हैं, तो और एक मैं डायलर खुलता हूँ। तो आप ऐसे ही बहुत सारा पेज खोल के आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, एक ही टाइम पे सभी काम कर सकते हो। तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। बड़ा करने के लिए ए वाला जो आइकॉन है, इसको आप क्लिक करना पड़ेगा। 3 एरोर वाला जो आइकॉन है, इसको आपको क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, टॉप बटन, और ये वाला जो है, ये आपको उसी पेज को विजिबल करने का है। आप इसको छोटा डाउन करने से इस पेज अब विजिबल हो के रह जाएगा। तो देख सकते हैं विजिबल हो चुका है इस ऐप। अगर इधर थ्री एरोर का जो ऑप्शन है, इधर जाके आप और भी जो मैक्सिमाइज करने से आपका पेज बड़ा हो जाएगा। अगर इधर जाके आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो इस ऐप का यही कोई ऑप्शन है। तो ऐप के अंदर जाके देख लेता हूँ इसका और क्या क्या फ्यूचर है। तो ऐप में जाते हैं, ऐप का सेटिंग में जाते हैं, इस आइकॉन इधर रहने देते हैं। ऐप का सेटिंग में जाके देख लेते हैं इसका और क्या काम या फ्यूचर दिया है। मुझे लगता है इसका सेटिंग का ऑप्शन किस तरह है, ये क्या बात हुई, इसका सेटिंग का ऑप्शन नहीं है।
ये रहा सेटिंग का ऑप्शन। इस ऐप का सेटिंग में जाते हैं और भी क्या क्या उसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इनेबल क्विक लंच आइकॉन, इसका मतलब ए वाला जो आइकॉन है जो आपने इसको इधर उधर कर रहा हो, ए आइकॉन ऑन करा है। आप लंच लंचर को आप ओपन मैंने डिसेबल करके रखिए। आइकॉन का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, इधर से देख सकते हैं आइकन छोटा बड़ा हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी मैंने इसको विजिबल कर सकते हैं आप। इससे कुछ दिया गया है, अब इधर जो दिया है डिसेबल ओपनिंग बाय स्वीप, इसका मतलब उसको इनेबल करने के बाद आप साइड से ये ऑप्शन निकाल सकते हो। स्लाइड टच करके ऑप्शन को निकाल सकते हो। ऐसे इस ऐप का काम इतना ही है। तो आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।